वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना था फाइलम सीलेंट्रेटा से, जिसका नाम है निडेरिया। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। कैसे होते हैं ये? एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मराइन होते हैं। सेसाइल मतलब ज़्यादातर बैठे रहने वाले, मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं होते, या फिर इनका फ्री स्विमिंग करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, कैसी सिमेट्री देखने मिलती है इसमें? रेडियल सिमेट्री। द नेम निडेरिया इज डराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। अब जो नेम है इनका, जो निडेरिया नाम है, वो किस टर्म से आया है? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से आया है, जिसे के पास होते हैं स्टिंग कैप्सूल्स, या फिर उनको कहा जाता है निमेटोसिस्ट। तो कहाँ से ड्राइव हुआ है नेम? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, मतलब विच कंटेन द स्टिंग कैप्सूल, ऐसे चुभने वाले टाइप बोल सकते हैं, और निमेटोसिस्ट। तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स का दूसरा नाम क्या है? निमेटोसिस्ट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं और इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, देखो, ठीक है। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। अब जो नीडोब्लास्ट है, इनका काम क्या है, किस किस चीज़ों के लिए ये यूज़ होते हैं? एनकोरेज के लिए, डिफेंस के लिए, और उनका जो भी प्रे वगैरह है उनको पकड़ने के लिए। एनकोरेज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब किसी चीज़ को एकदम जकड़ लेना, फांस लेना अपनी चीज़ में। जैसे इसके टेंटिकल ये है, तो इसका काम क्या होगा, नीडोब्लास्ट का क्या काम होगा, कि ऐसे जैसे सपोज यहाँ कोई प्रे है तो इसको ऐसे पकड़ लेना, ऐसे फांस लेना अपने अंदर, डेट इज़ एनकोरेज। डिफेंस, अपने आप को बचाना या फिर अपने प्रे को कैप्चर करना। निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिखाते हैं ये? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। और कैसे होता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो क्या मिलता है इनके अंदर? होती है रेडियल सिमेट्री। कैसे होते हैं ये? टिश्यू लेवल दिखाते हैं, टिश्यू लेवल दिखाते हैं, और कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास क्या मिलते हैं? निमेटोसिस्ट मिलते हैं, इस जो स्टिंग कैप्सूल है उसको दूसरा नाम है निमेटोसिस्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है? टेंटिकल्स और बॉडी पे, ठीक है। अब जो और जो नाम है इनका निडेरिया, किस टर्म्स आया है? नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट से। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, इनके पास क्या होती है? एक सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी होती है, जिसकी सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, वो भी सिर्फ माउथ, जिसे कहा जाता है हाइपोस्टोम। तो हम क्या कह सकते हैं, माउथ का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? हाइपोस्टोम। तो और इनका वो कैसा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम? इनकम्प्लीट, क्योंकि सिर्फ सिंगल ओपनिंग है इनके पास। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब किसी कुछ निडेरियन का एग्जाम्पल दिया, कौन सा निडेरियन लिया इन्होंने? कोरल्स। तो अब उस जो उसका स्केलेटन है, किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। अब ये कौन सी दो बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, कैसे मिलेंगे? इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं ऊपर। तो दो, बेसिकली दो बॉडी फॉर्म्स में मिलते हैं ये, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब ये लाइन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, कि पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा ए सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। मतलब जो पॉलिप है, वो जब पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा तो कैसे बनता है? ए सेक्सुअली बनता है। लेकिन जब मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, वो सेक्सुअली बनता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मर इज अ सेसाइल। अब फॉर्मर इज अ सेसाइल, मतलब किसकी बात की जा रही है? पॉलिप की। तो पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल होता है, एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक, और सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जिसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्सिया। तो हाइड्रा और एडेम्सिया किसके एग्जाम्पल है? पॉलिप के। वेयर एज द लेटर मीन्स मेड्यूसा कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप होता है, फ्री स्विमिंग होता है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? ओरिलिया और जेलीफिश। तो हम लिख सकते हैं दो बॉडी फॉर्म मिलती है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप के दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, कौन कौन से? हाइड्रा और एडेम्सिया। वहीं पे मेड्यूसा का एग्जाम्पल दिया गया है ओरेलिया या फिर जेलीफिश, ठीक है। दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे प्लांट्स में देखने मिलती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वैसे यहाँ भी देखने मिलती है निडेरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें ये दोनों चीज़ मिलती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसे क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं,
ठीक है, दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को सेक्सुअली एसेक्सुअली, और मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप को सेक्सुअली। तो ये किसका एग्जांपल है? ओबेलिया। मतलब ये किसका एग्जांपल है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब इसमें दोनों फॉर्म मिल रही हैं, और दोनों कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमने पढ़ा है कि पॉलिप से जब मेड्यूसा बनेगा वो एसेक्सुअली बनेगा, और जब मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा वो सेक्सुअली बनेगा। सो ये क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया। तो हमने सब देखा कि दो बॉडी फॉर्म है पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप की जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हाइड्रा और एडाम्सिया। अब जो पॉलिप होता है कैसे होता है? ससाइल होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। वहीं पे जो मेड्यूसा होता है कैसे होता है? अम्ब्रेला शेप होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जिसका एग्जाम्पल है ओरेलिया या फिर जेलीफिश। और जहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिले, मेटाजेनेसिस देखने मिले, उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। और बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है? फिजेलिया, फिजेलिया को बोलते हैं पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर। इनके दूसरे नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, फिजेलिया पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया सी एनिमॉन, पैनफिला सी पैन, गॉर्गोनिया सी पैन एंड मेनड्राइन ब्रेन कोरल। तो एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में, ये एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। तो यहाँ पे हमारा निडेरिया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, टीनोफोरा। अब जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहा जाता है? सी वॉलेट। अब हमें इसके इससे भी समझ आ रहा है, टीनोफोरा कॉमनली नोन है सी वॉलनट। क्या कहते हैं हम टीनोफोरा को? कॉमनली सी वॉलनट कहते हैं, या फिर कॉम्ब जेलीज कहते हैं, दे सकते हैं कि इसकी शेप कैसी, एक वॉलनट टाइप कह सकते हैं। तो कैसे है? सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली। कैसे हैं ये? एक्सक्लूसिवली मेराइन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, और डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में याद कहा था चार्ट में कि रेडियल सिमेट्री किस किस में मिल रही थी हमें, और डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है। तो इनमें भी क्या है? रेडियल सिमेट्री है और डिप्लोब्लास्टिक है। कैसे हैं ये भी? मेराइन है। कैसे मेराइन है? एक्सक्लूसिवली मेराइन, सिर्फ मेराइन में ही मिलेंगे आपको। डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कैसा मिलेगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल का मिलेगा। द बॉडी बियर एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स। अब जो सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं, टोटल कितनी होती हैं इसके पास? आठ, एट इन नंबर। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स, कितनी होती हैं? आठ होती हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इनका काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करना। ये है सीलिएटेड, तो इनका काम क्या है? ये ऐसे 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 आगे ऐसे चलेंगे, फिर लोकोमोशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, लोकोमोशन। तो क्या हेल्प करेंगे? इसके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन कैसे मिलता है यहाँ पे? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अब इनकी एक खास प्रॉपर्टी क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इन अ वेल मार्क्ड, किस में है? टीनोफोरा में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वेल मार्क्ड है, मतलब इनमें मिलती है। किन में मिलती है? टीनोफोरा में। कौन सी? बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोराज। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है। मतलब कैसे होंगे? हर्मोफ्रोडाइट होंगे, मेल और फीमेल, या फिर हम कह सकते हैं एग और स्पर्म एक ही में प्रोड्यूस होगा। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है विद इनडायरेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे बहुत सारी हमें लार्वल स्टेज देखने मिलती हैं। इसके एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। तो ये था हमारा फाइलम टीनोफोरा। क्या पढ़ा हमने? इसे कॉमनली सी वॉलनट कहते हैं, कॉम जेली कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी के पास एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करें, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों मिल रहा है, इसके पास क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सिर्फ सेक्सुअली होगा, एक्सक्लूसिवली सेक्सुअली होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और दो एग्जांपल्स पढ़े हमने, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। और ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। कौन है ये प्लूरोब्रैकिया? ये इसके सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, वॉलनट जैसी शेप भी है इसकी। कौन है ये? प्लूरोब्रैकिया। नाउ द फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। कैसे होते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब चपटे होते हैं। बेसिकली इनका मतलब ये है, आगे पीछे की तरफ से कैसे हैं? फ्लैटेड है, चपटे हैं। हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स। कैसे हैं? एंडो पैरासाइट, मतलब
जिसके ऊपर के हाँ कहाँ मिलते हैं, अंदर मिलेंगे, बॉडी के अंदर मिलेंगे। पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं ना, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट्स। तो एक्टो पैरासाइट तो वो होता है जो बॉडी के बाहर मिले, और एंडो होता है जो बॉडी के अंदर मिलता है। तो मोस्टली कह जाएंगे एंडो पैरासाइट हैं, कहाँ मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। देखो फ्लैटवर्म आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसी है इनमें सिमेट्री? बायलेटरल है। अभी तक हम रेडियल पढ़ रहे थे, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई हमें बायलेटरल सिमेट्री। कैसे हैं? ट्रिप्टोब्लास्टिक है, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक थे, एंड ए सीलोमेट, ये मैंने याद ही कराया था। पी है तो उसमें ए मिलेगा, मतलब ए सीलोमेट होंगे, और जो ए है उसमें पी मिलेगा, मीन्स एस्केलमेंथियस, उसमें क्या मिलेगा? सूडो सीलोमेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, ए सीलोमेट एनिमल है। क्या है इसके पास? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? हुक एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। कहाँ में मिलने वाले हैं ऐसे? हुक और सकर्स। क्या सकर्स मतलब? हुक मतलब ऐसे किसी चीज़ पे अटैच हो जाना, सकर्स मीन्स जो किसी चीज़ को सक करेंगे, बेसिकली ब्लड, फूड, कुछ भी कह सकते हैं। तो हुक और सकर्स क्या है इसके पास? पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे होते हैं जो होस्ट से न्यूट्रिएंट डायरेक्टली उसकी अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये अब इनके पास क्या है? स्पेशलाइज सेल्स हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लेम सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं 11th में, कि कौन से सेल्स? फ्लेम सेल्स। क्या काम है इनका? ऑस्मोरेगुलेशन करना एंड एक्सक्रीशन करना। क्या काम है फ्लेम सेल्स का? ऑस्मोरेगुलेशन करना और एक्सक्रीशन करना। यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? लेकिन यह इंटरनल है। और डेवलपमेंट कैसा है? बहुत सारी लार्वा स्टेज है, मतलब इनडायरेक्ट है। कुछ मेंबर्स हैं इसके, जैसे प्लेनेरिया, उसके पास क्या मिलती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब अगर उसका एक पार्ट लॉस भी रहा तो वहीं से पूरा वो ग्रो कर जाएगा। दैट इज़ हाई कैपेसिटी और हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, दोबारा रीजनरेट करने की पावर किसके पास मिलती है? प्लेनेरिया के अंदर। और ये हमने बचपन से ही पढ़ा है कि हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी कहाँ मिलती है? प्लेनेरिया में मिलती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टेनिया, टेपवॉर्म, फेसिकोला, लिवर फ्लू। तो इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। टेनिया टेपवॉर्म को कहा जाता है, फेसिकोला लिवर फ्लू को कहा जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस। कैसे है ये? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, इसको फ्लैटवॉर्म कहते हैं, मोस्टली एंडो पैरासाइट है, एनिमल्स में मिलते हैं, बेसिकली ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है। तो कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए सीलोमेट्स और बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक और सकर मिलेंगे पैरासिटिक फॉर्म में। ये क्या कर कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने होस्ट से थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ स्पेशलाइज सेल्स मिलते हैं, उन सेल्स का नाम है फ्लेम सेल, जो हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? बहुत सारी लार्वा स्टेजेस के थ्रू होता है। कुछ मेंबर हैं जैसे कि प्लेनेरिया, उनके पास क्या होती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मिलती है। एग्जाम्पल है उसका टेनिया, टेनिया को कहते हैं हम टेपवर्म, फेसिकोला, फेसिकोला को कहते हैं हम लिवर फ्लू। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ प्लेटीहेलमिंथेस। ये एग्जाम्पल दिए, देखो ये वाला किसका है? टेनिया टेपवॉर्म का, और ये किसका है? लिवर फ्लू का। नाउ द फाइलम एस्केलमेंथीज। द फाइलम एस्केलमेंथीज, द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज अ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। कैसी होती है? अगर हम इसका काटें, यहाँ से क्रॉस सेक्शन करें, तो हमें ऐसे सर्कुलर देखने मिलेगी इनकी बॉडी। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। दे आर बी फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब किसी के साथ ना रहें। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। देखो कैसे फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल या फिर पैरासिटिक है, किसमें? प्लांट और एनिमल्स में। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे मिलने वाली है? ऑर्गन सिस्टम मिलने वाला है यहाँ पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और कैसे होंगे? सूडो सीलोमेट होंगे। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो गई, जिससे इसकी दो ओपनिंग होगी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। क्या है इसका एक स्पेशलाइज करेक्टरिस्टिक? यहाँ पे क्या है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब हमने क्या कहा? एक यहाँ पे क्या होती है, इसके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, जिससे क्या होती है? बॉडी वेस्ट जो है बाहर जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, इसलिए से क्या कहा जाता है? डायोसिस। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट।
ऑफन फीमेल अ लॉन्गर देन मेल्स। यहाँ पे कैसे होती है, अगर फीमेल्स जो होती हैं मेल से लंबी होती हैं। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे मेल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कॉइल है। अगर इस कॉइल को हम खोलेंगे भी तो ये बस इतना हो जाएगा, और फीमेल वहीं पे कितनी होगी, पूरी कॉइल है तो इतनी लंबी। तो फीमेल क्या है, मेल से लंबी है, ये इसकी स्पेशलाइज करेक्टरिस्टिक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने मिलता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, एस्केरिया जिसे कहते हैं राउंड वॉर्म, यूचेरिया जिसे कहते हैं फ्लाइरेलियल वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसे कहते हैं हुक वॉर्म। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं, एस्केरिस राउंड वॉर्म, यूचेरिया फ्लायर वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ फाइलम एस्केलमेंथस। क्या क्या देखा, अगर हम इसको काटें, क्रॉस सेक्शन देखें तो ये सर्कुलर दिखेगा, जिसकी वजह से इसको राउंड वॉर्म कहा गया। ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरिस्टल है, पैरासिटिक है। टेरिस्टल और पैरासिटिक फॉर्म कहाँ देखने मिलेगी, प्लांट और एनिमल्स में। राउंड वॉर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्टोब्लास्टिक है, सूडो सीलोमेट है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है क्योंकि इसके पास माउथ और एनस दोनों हैं। एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है, जो एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, डायोशीज है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्टली देखने मिलेंगे, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। फीमेल यहाँ पे लंबी होती है एज कम्पेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट दोनों टाइप का मिल सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इसके हमने एग्जांपल देखे, एस्केरिस, एस्केरिस को कहते हैं राउंड वॉर्म, यूचेरिया को कहते हैं फ्लायर वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमेटा होता है हुक वॉर्म। ये हैं इसके एग्जांपल्स। नाउ मूविंग टू अनदर फाइलम, दैट इज एनिलिड्स। दे मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं, अब उसमें मराइन और फ्रेश वाटर दोनों, या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। क्या मिलेंगे वहाँ, फ्री लिविंग होंगे और कई बार पैरासिटिक भी होंगे। ये भी क्या एग्जिबिट करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे। ये भी दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसमें अब क्या बात आ गई, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। क्या है ये, मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब बाहर से इनकी बॉडी लाइन्स में बटी हुई और अंदर से भी लाइन्स में डिवाइडेड है। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल। कैसे है, अब ये सीलोमेट मतलब यहाँ पे सीलोम मिलेगा देखने, तो कैसे हो गए सीलोमेट एनिमल। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। इनके बॉडी किस में मार्क है, सेगमेंट्स में। इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटामर्स भी बोलते हैं। एनहांस द फाइलम नेम एनिलिडा, इसलिए इसका नाम क्या है, एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब यही होता है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन वर्ड है एनुलस, जिसका मतलब है लिटिल रिंग, एक रिंग जैसी है ना ये, ऐसे अगर हम इसे देखें सेक्शन तो ऐसे सेगमेंट्स में बटे हैं ये, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, एनिलिड और एनुलस वर्ड्स आए हैं जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। दे पजल्स लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। अब इनके पास दो टाइप की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। इनका काम क्या है, लोकोमोशन कराना। अब जो एक्वेटिक एनिलिड है, जैसे कि नीरिस, एक्वेटिक एनिलिड लाइक नेरिस पजस अ लेटरल अपेंडिजेस। इनके पास क्या मिलते हैं, लेटरल अपेंडिजेस मिलते हैं, लेटरल अपेंडिजेस इन्हें कह सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये क्या, इनके लेटरल अपेंडिजेस हैं विच हेल्प इन स्विमिंग। क्या करेगी, इनकी स्विमिंग में हेल्प करेगी। जैसे स्विम करते हैं तो हमें हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन रखना होता है तब स्विम कर पाते हैं, तो वही सेम जो लेटरल अपेंडिजेस हैं इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया जिसे कहते हैं सिंगल नेफ्रीडियम। हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम, अब पहली बार हम पढ़ रहे हैं कहीं पे न्यूरल सिस्टम, कहाँ देख, एनिलिडा में। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, क्या है यहाँ पे न्यूरल सिस्टम के नाम पे, पेयर्ड गैंग्लिया है जो कनेक्टेड है लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। किससे कनेक्टेड है वो, जो दो गैंग्लिया हैं किससे कनेक्टेड है, हमारे लेटरल नर्व से, और लेटरल नर्व किससे कनेक्टेड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये दो क्या है हमारे गैंग्लिया, गैंग्लिया कनेक्टेड है हमारे लेटरल नर्व से, लेटरल नर्व कनेक्टेड है हमारी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। अब इसके एग्जांपल देखते हैं,
नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायशियस. कैसी है? डायशियस मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं. बट अर्थवर्म और लीचेस कैसे हैं? मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस एक में. तो यहाँ पे दोनों देखने मिल रहे हैं, डायोशियस कंडीशन भी और मोनोशियस भी. तो डायोशियस का एग्जांपल क्या है? नेरिस, जो ये दिया भी है, ये क्या है? डायोशियस नेरिस. और वहीं पे जो लीच है और अर्थवर्म है, जैसे कि बेसिकली क्या है, ब्लड सकिंग लीच, हिरीड्यूना भी बोलते हैं इसे. तो ये कैसे होते हैं? मोनोशियस होते हैं. बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. एग्जाम्पल नेरिस फेरेटिमा है अर्थवर्म, ये दिया है यहाँ पे नेरिस. तो अर्थवर्म का दूसरा नाम क्या है? फेरेटिमा. और हिरीडिनेरिया, हिरीडिनेरिया किसे बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ फाइलम एनिलिडा. इसमें हमने क्या क्या देखा कि एक्वेटिक है, मेराइन है, फ्रेश वाटर है, टेरिस्टियल है, फ्री स्विमिंग होंगे, कई बार पैरासिट भी मिलेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और सीलोमेट एनिमल है. सबसे पहले यहीं पे आए सीलोमेट, सबसे पहले यहीं बात की गई है नर्वस सिस्टम की, और यहीं पे सबसे पहले आई है हमारी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, या फिर जिसे बोलते हैं मेटामर्स या फिर सेगमेंट्स. फिर हमने क्या कहा, इसको एनिलिड क्यों कहा गया? क्योंकि एनिलिड एक लैटिन वर्ड से है, एनिलस, जिसका मतलब यही होता है लिटिल रिंग. इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. कुछ एक्वेटिक फॉर्म है जैसे कि नेरिस, उनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसका नाम होता है पैरापोडिया. इसका काम क्या है? ये स्विमिंग में हेल्प करती है. ठीक है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है यहाँ पे. नेफ्रीडिया, जिसे सिंगल क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियम, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. न्यूरल सिस्टम आया, उसके पास पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया किससे कनेक्टेड है? लेटरल नर्व से. लेटरल नर्व किससे कनेक्ट है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से. अब नेरिस जो एग्जांपल है वो डायोशियस है, लेकिन अर्थवर्म और लीचेस कैसे? मोनोशियस है. रिप्रोडक्शन कैसे मिलता है यहाँ पे? सेक्सुअल मिलता है. तो अर्थवर्म का दूसरा नाम क्या है? फेरेटिमा. और ब्लड सकिंग लीच है जिसको बोलते हैं हिरीडिनेरिया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फाइलम, दैट इज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा क्या है? हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, वो सॉरी फर्स्ट, सबसे बड़ा जो फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा, ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट. अब जो इंसेक्ट है किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं. ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा. अगर हम कंपेयर करें जितने भी उसमें से, अप्रॉक्स 2/3 जितने भी हैं सारे कैसे हैं अर्थ पे? आर्थ्रोपोडा ही हैं. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या है यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है. यहाँ भी क्या है? ये सेगमेंटेड है, याद रखना सेगमेंटेड है ये भी. ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. एंड सीलोमेड एनिमल क्या है? ये भी सीलोमेड है. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. अब जो इनकी बॉडी होती है किसकी बनी होती है? काइटेनियस स्केलेटन की बनी होती है, एक्सोस्केलेटन की. द बॉडी पजस, बॉडी के पास क्या क्या मिलता है इसमें? द बॉडी कंसिस्ट हेड, नेक, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है. क्या क्या है इसके पास? हेड मिलेगा, थॉरेक्स मिलेगा और एब्डोमेन मिलेगा. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. क्या है उसके पास? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. इन्हें जिनके पैर होते हैं, पैर हाथ, इनको बोलते हैं दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ. आर्थोस जॉइंट पोडा अपेंडेजेस. रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है इसके पास? गिल है, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है. ये भी इंपॉर्टेंट है. क्या क्या है इसके पास याद रखने हैं? रेस्पिरेटरी में ऑर्गन में गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स भी हैं और ट्रैकियल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका? ओपन टाइप है. ओपन टाइप मतलब है ब्लड पंप होगा और उसी के अंदर सारे हमारे सेल और टिश्यू पड़े हुए हैं. कोई वेसल इन सब का, कैपिलरीज का कोई सिस्टम ही नहीं है ताकि ब्लड इन तक पहुँचाया जा सके. डायरेक्टली ब्लड में डूबे हुए होते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम ओपन वाले सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन है. सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई. क्या क्या है सेंसरी ऑर्गन में इसके पास? एंटीना है, आई है. आईज में भी क्या है? कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों है. स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन. अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या मिलता है इनके पास? स्टेटोसिस्ट. स्टेटोसिस्ट को क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट. ये क्या कराता है? बैलेंस कराता है. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखा? जॉइंटेड अपेंडेजेस है, स्टेटोसिस्ट है इसके पास
और ये भी सेगमेंटेड है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिजियन टिब्यूल। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? मालफिजियन टिब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस। कैसे हैं? ज़्यादातर डायोशियस है, मतलब इसमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्टली मार्क्ड हैं। तो दे आर मोस्टली डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओवीपैरस। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओवीपैरस आर द वन हु लेज एग्स। ओवीपैरस होते हैं जो एग ले, तो मोस्टली क्या है? ओवीपैरस है। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने मिलता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? अभी ऐसे पूछना है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा कौन कौन से होते हैं? तो एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्फॉर्म को कहा जाता है, लेसीफर लैक इंसेक्ट को कहता है। वेक्टर कौन कौन होता है? एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट होता है लोकस्टा या फिर लोकस्ट। लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल इसमें लैमुलस और किंग क्रैब। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से हैं, वेक्टर कौन कौन से हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा होता है, लिविंग फॉसिल कौन सा होता है। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो सबसे पहले लोकस्ट। लोकस्ट मतलब क्या होता है? टिड्ढा। टिड्ढे को ही बोलते हैं लोकस्ट। कैसा है? ये ग्रिगेरियस पेस्ट है। फिर है बटरफ्लाई, फिर है स्कॉर्पियन और फिर है प्रॉन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या क्या देखा हमने? लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं। 2/3 जितने भी स्पीशीज हैं अर्थ की वो सारे आर्थ्रोपोड हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिली, बायलेटरल सिमेट्री मिली, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेगमेंटेड हैं और सीलोमेट हैं। बॉडी आर्थ्रोपोड की जो कवर होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। इनके पास क्या है? हेड है, थॉरेक्स, एब्डोमेन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल है, बुक लंग है और ट्राइकल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। सेंसरी ऑर्गन मिला यहाँ पे, उसमें एंटीना है, आई है, आई में कंपाउंड और सिंपल दोनों आई है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? मालफिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। मोस्टली क्या होता है? डायशेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओवीपैरस। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ज़्यादातर कैसे हैं? ओवीपैरस हैं। डेवलपमेंट दोनों देखने मिलेगा। एग्जाम्पल इकोनॉमिक में आ गए एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, लेकिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर में आई एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट में आया लोकस्टा या फिर लोकस्ट। लिविंग फॉसिल में आता है लैमुलस या फिर किंग क्रैब। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम मोलस्का से। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और इसको पढ़ना, रिवाइज करना, एग्जाम्पल्स याद करना। जितनी बार रीडिंग करोगे उतनी बार इसके पॉइंट्स रिमेंबर कर पाओगे, याद रख पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे और एग्जाम्पल्स भी तभी। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना ही ये याद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।